नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं देर तक हरियाणा न्यूज और मैं आपके साथ पत्रकार सरबीर सारण। ये तस्वीरें आप शक्कर मंदोरी गांव की देख रहे हैं। आप मेरे पीछे जो गाड़ी देख रहे हैं ये सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी है और सिद्धू मूसेवाला के पिताजी हैं वो आज गांव शक्कर मंदोरी में पहुंचे हैं और शक्कर मंदोरी में पहुंचकर उन लोगों से बक्सी मेरेवाल के लिए वोटों की अपील की है और इस मौके पर हम उनसे बातचीत भी करेंगे, प्रेस वार्ता भी होगी। उस प्रेस वार्ता में वो क्या कुछ कहते हैं उसको जरूर आप सुनिए। राम 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 तो किस तरह का माहौल आप देख रहे हो? मेरे को तो बहुत बढ़िया लग रहा है, डेफिनेट कांग्रेस की सरकार है। पर एक मुद्दा है SYL का, एक गाना आया था सिद्धू मूसेवाला का, और उसके बारे में क्या कुछ कहना है क्योंकि SYL का मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट है हरियाणा के लिए। मैं इतनी बड़ी बात करने वाला इतना बड़ा लीडर नहीं हूँ, तो जो चीज कोर्ट में चल रही है, मान जो अदालत में चल रही है उसके बारे में कोर्ट का फैसला ही मान। नहीं सर, गाना है, गाने के बारे में बात नहीं कर दिया तो बैन कर दिया क्योंकि यहाँ पे भी काफी फॉलोअर है, रिएक्शन है जो दूसरे वाला का उससे नाराजगी थी। मेरे को भी समझ नहीं आई कि लॉरेंस की वीडियो तो कैसे चल रही है और सिद्धू का गाना कैसे बैन हो गया, मेरे को इसी चीज का तो मलाला, इसलिए तो आप में घूम रहा हूँ। नहीं, उसमें सर एक बूंद पानी नहीं देंगे हरियाणा को, इस तरह का था तो करके उस पे कंट्रोवर्सी थी। जी, ऐसी कोई बात मतलब उसमें जो गाने को काल्पनिक तौर पे मनोरंजन के तौर पर आप ले रहे हैं, मुद्दा है, डिस्प्यूट है दोनों स्टेट का, वो कोर्ट में चल। अभी अभी आप बता रहे हैं, आप बोलेंगे तो हमें ज्यादा चाहिए, वो बोलेंगे हमें ज्यादा चाहिए, है ना? जो फैसला कौन करेगा? हमारा सिस्टम करेगा, हमारी अदालत ही करेगा। जो भाई लागू होते हैं ना उनमें थोड़ा थोड़ा मनमुटाव तो रहता ही है, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। नहीं सर, सिरसा भी साथ लगता है और उसमें जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो उनकी जो फोटो है वो सिद्धू मूसेवाला के जो जिन पर आरोप है मर्डर के उनके साथ फोटो वायरल हुई है। किसकी? जो कांग्रेस के प्रत्याशी है सिरसा विधानसभा क्षेत्र में, देखो उनकी जो फोटो पहले है, अगर आप मैं लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले रहा हूँ, मैं उसको गैंगस्टर मान रहा हूँ, लेकिन जब मैं आज से 10 या 15 साल पीछे जाऊँ तो एक कॉलेज का स्टूडेंट था, ठीक है, वो कैसे हालात रहे होंगे भी, वो एक यूनिवर्सिटी का प्रधान होने के साथ साथ हो दलदल में चला गया है ना, लेकिन पहले तो सभी स्टूडेंट ही थे ना। जो फोटो उनकी, अगर उनकी आज कोई फोटो लॉरेंस के साथ है तो मैं कह दूंगा भी ये तो उनके साथ, अभी उम्र के साथ हालातों के साथ वो उधर को शिफ्ट हो गए, क्या कह सकते। कुछ क्या प्रचार में जाएंगे आप साथ लगता विधानसभा? देखो मेरे को जहाँ पे हाईकमांड हुक्म करेगी, जो पहला बार भी मैं पहली बार आऊंगा, जहाँ से जो हाईकमांड से जो राहुल जी के ऑफिस से हुक्म होएगा जहाँ पे जाओ वहाँ पे जाएंगे। मैं तो कांग्रेस का छोटा सिपाही हूँ, जहाँ भी हुक्म करेंगे वहाँ पे। मेरे बेटे को आप भी प्यार करते होंगे, कांग्रेस वाले भी प्यार करते होंगे, बीजेपी वाले भी जो प्यार करते होंगे, मेरा बेटा सबका साझा है। मेरा ना आने का कारण मेरे पर मजबूरियाँ हैं, मेरे प्यार की कोर्ट में चल रहे हैं, मेरे को समा नहीं मिलेगा। चुनाव के अंदर आपके बेटे की मूर्ति लगाई जा रही है, इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है? देखो आप, मैं तो नहीं कहता हूँ ऐसा, पर हो जाता है। कांग्रेस में किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हो? कांग्रेस की सरकार आती है, मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हो हरियाणा के अंदर? हरियाणा हाईकमांड का काम, मैं तो छोटा स्पंज, मेरा काम है, मैं करना चाहूँ तो सपोर्ट कर रहे हो, मेरा काम। आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हो, जेडीपी के जो दिग्विजय चौटाला है उन्होंने मूर्ति लगवाई थी, क्या आपकी वो कारण है कि आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हो? दोस्त से प्यार करने की उनकी आत्मा की आवाज है, उसका पॉलिटिक्स से कुछ लेना नहीं। SYL के अंदर ये बोला गया हरियाणा को एक फूल पानी नहीं दिया जाएगा, एक मिनट तो आप कांग्रेस। ये आप जो तस्वीरें देख पा रहे थे शक्कर मंदोरी गांव की, ये थे हमारे साथ बलकौर सिंह जी जो कि सिद्धू मूसेवाला के पिताजी हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये वो गाड़ी है PB 65
जो AM008 अक्सर गानों में आपने देखी थी, आज वो गांव सत्तर मंदोरी में पहुंचे, हमारे साथ बातचीत की। ये तमाम जानकारी आप देख रहे थे बेधड़क हरियाणा न्यूज पे। मैं आपके साथ पत्रकार सुखबीर सारण, कैमरा सहयोगी दोनी शर्मा के साथ, धन्यवाद।